Hello guys, welcome back to the blog for you. So guys, I don't think so I have to explain anything about this blog, because as you know, the Nainital is very beautiful place, city of lake, beauty of nature. So guys, Nainital ke bare mein jitna bolo utna kam hai. Very very famous place in all over the world and located in Uttarakhand. So guys, let's start the blog of Talu Natal Nainital ka. So guys, video shoot karna maine ghar se 30 se 40 km baad shuru kiya, kyunki thand bahut thi aur hum log bus se ja rahe the, to man nahi kar raha tha mobile nikalne ka thand mein, aur bus mein seat bhi piche wali mili thi to pura rasta cover nahi ho paya theek se. गाइस, ये इफेक्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमसे दो तीन सीट आगे जो बंदा बैठा था वो उल्टी कर रहा था. कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ की रोड ही ऐसी होती है, इसका सर नहीं घूमता और उसका सर भी घूमने लग जाता है. ये नैनीताल की हसीन वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ देखिए और मजा लीजिए. दोस्तों, बस में से चलते चलते ही दो तीन फोटो ली थी तो इस तरीके से दिख रहा था कुछ. दोस्तों, नैनीताल पहुंचते ही हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और उसके बाद फिर पैदल पैदल हम लोग मल्लीताल की तरफ चले गए. एक्चुअली यहाँ पे तल्लीताल और मल्लीताल बोला जाता है. एक्चुअली दोस्तों, कुमाऊँनी भाषा के दो शब्द हैं, तल्ली और मल्ली. तल्ली का मतलब होता है नीचे की तरफ और मल्ली का मतलब होता है ऊपर की तरफ. तो नीचे की तरफ जो ताल का एरिया है उसको तल्ली ताल बोलते हैं और ऊपर की तरफ जो ताल का एरिया है उसको मल्ली ताल बोलते हैं. ताल एक ही है तो ऊपर की तरफ मल्ली ताल हो गया और नीचे की तरफ तल्ली ताल हो गया. तल्ली और मल्ली कुमाऊँनी भाषा के दो शब्द आज आपको सुनने को मिलेंगे. दोस्तों, मैंने इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं कर रखी है, शायद कुछ और भी हो सकता है तल्ली और मल्ली, बट कुमाऊँनी भाषा में ऊपर नीचे को तल्ली और मल्ली बोला जाता है. सो देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस वीडियो, दैट्स व्हाट जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. दोस्तों, वहाँ जाते ही पहले हमने माँ नैना देवी के दर्शन किए, वहाँ पर प्रसादी चढ़ाई. दर्शन करने के बाद हमने बोटिंग की. एक्चुअली
एक्चुअली दिस वॉज अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर मैरिज फॉर ट्रैवलिंग. दोस्तों जब भी आए मछली को चारा ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इनको चारा खिलाने में एक अलग ही मज़ा आता है. इनको चारा खाते हुए देखोगे तो आप बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है इनको. So guys, the vlog is almost done. Now we are going back. And हमने एक रिक्शा लिया, रिक्शे में बैठे वहाँ पर जा रहे थे हम लोग बस स्टेशन की तरफ. बट वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, देखो दोनों में मुँह लटका हुआ है. एक्चुअली थक भी गए थे पूरे दिन भर. तो भाई बस में तो जाने में टाइम लग रहा था बहुत. हमको एक ऑल्टो वाले भाई साहब मिले, हम उनकी ऑल्टो में हो लिए. खैर ना तक हमको छोड़ के गए वो. दोस्तों कभी कभी इन पहाड़ों को दूर से खड़े होकर देखने में एक अजीब सी फीलिंग आती है. एक फीलिंग मतलब इस टाइप की फीलिंग आती है जैसे कि टाइटैनिक के गाने को सुन के एक फीलिंग आती है ना सर, उसी टाइप की फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ गया है यहाँ मेरा. दोस्तों आप कभी पहाड़ आएंगे, जब आप पहाड़ आएंगे तो आप आएंगे एकदम हंसी खुशी मन से, लेकिन आप जब वापस जाएंगे ना दोस्तों,
आपका मन बड़ा उदास होगा, और ये उदासी किसी दुख दर्द पीड़ा की नहीं होगी, ये उदासी होगी पहाड़ों से जुदा होने की। ये उदासी होगी पहाड़ों से दूर जाने की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।